Learning is permanent change in behavior through experience. There are four main types of learning. Learning by trial and error. And second is learning by imitation. Third is learning by insight or learning by cognition or learning by thinking. Or fourth one, most important, learning by conditioning. Conditioning means association or pairing. तो क्लासिकल कंडीशनिंग में असल में क्या होता है, इट इज़ अ पेयरिंग ऑफ न्यूट्रल स्टिमुलस. बिहेवियरल अप्रोच है लर्निंग. जब भी आप पढ़ते हो तो लर्निंग हमेशा बिहेवियरिस्टिक मॉडल है, बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट. जितने भी बिहेवियरिस्ट हैं वो सारे लर्निंग पे ही एम्फोसिस करते हैं, लर्निंग को ही स्टडी करते हैं. सो बिहेवियरल अप्रोच क्या स्टडी करती है, इसका मेन क्वेश्चन क्या है, हाउ डू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स थ्रू आउट अ पर्सनस लाइफ अफेक्ट देयर बिहेवियर. बिहेवियर परस्पेक्टिव फोकसेस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स. ठीक है, बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर्ट है, जो ऑब्जर्वेबल है, दैट कैन बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली. इस वजह से साइकोलॉजी को जो है वो साइंटिफिक स्टडी भी किया गया, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्योंकि बिहेवियर्स जो है वो ऑब्जर्व हो सकते हैं और मेजर भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिवली. बिहेवियर्स बिलीव दैट आवर बिहेवियर इज रिलेटेड टू आवर एनवायरमेंट एंड वी कैन मॉडिफाई बिहेवियर बाय मॉडिफाइंग द एनवायरमेंट. अब मेजर जो बिहेवियरिस्ट हैं उसमें सबसे पहले थॉर्नडाइक हैं, फिर हमारे पास पेवलोव आ जाते हैं, फिर स्किनर हैं. तो क्लासिकल कंडीशनिंग जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी वो पेवलोव ने इंट्रोड्यूस करवाया. इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं. क्लासिकल कंडीशनिंग इज ऑल्सो कॉल्ड पेवलोवियन कंडीशनिंग. सो डेफिनेशन दोबारा से है, हाउ डू वी लर्न बिहेवियर. लर्निंग is a relatively permanent change in behavior brought about by experience. ये सब बच्चों को याद होनी चाहिए definition. definitions हैं कुछ, ये हम पहले भी कर चुके हैं. stimulus, an event, sensation or experience that causes you to react is called stimulus. visual stimulus हैं जो के related to vision हैं. you see something then you react. olfactory stimulus hain related to smell, olfaction. gustatory stimulus related to taste. auditory stimulus hearing. or kinesthetic stimulus or tactile stimulus. kinesthetic ko tactile stimulus bhi kehte hain. you feel something then you react. classical conditioning is a type of learning in which a neutral stimulus comes to bring about a response after it is paired with a stimulus that naturally brings that response. एक natural stimulus है और natural stimulus को हम pair करते हैं. pair of natural stimulus है, ठीक है, किसी specific behavior के साथ. in the absence of biological trait, आपके पास यहाँ पे एक neutral stimulus आप देख रहे हो. neutral stimulus में एक bell है जो कि neutral stimulus है और एक food है वो भी एक natural stimulus है. अब ये neutral जब आपने इसको कंडीशन नहीं किया तो ये न्यूट्रल होगा. नेचुरली क्या होता है कि जब आप फूड को देखते हो, साइट ऑफ फूड, तो सेलिवेशन होती है, यू स्टार्ट सेलिवेट. अब इसमें जो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने क्या किया कि डॉग को फूड, जब भी डॉग फूड देखता था तो एक नेचुरल स्टिमुलस है, जब भी डॉग फूड देखता था तो उसमें सेलिवेशन स्टार्ट हो जाती थी. पेवलोव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है. पेवलोव वॉज रशियन साइकोलॉजिस्ट और ये डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे. इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1904 में. ही वॉज वर्किंग ऑन डॉग्स डाइजेस्टिव सिस्टम. उन्होंने नोट किया कि जब जो अटेंडेंट है, असिस्टेंट है जो लैब का, जब वो फूड लेकर आता है तो उसको देखते ही डॉग जो है वो सेलिवेट करता है. हालांकि असिस्टेंट को देखकर सेलिवेट करना ये नेचुरल नहीं है, तो बेसिकली वो इसलिए सेलिवेट करता है क्योंकि असिस्टेंट फूड लेकर आता है. तो फूड जो था वो एसोसिएट करता है, फूड एक नेचुरल स्टिमुलस है और इसका नेचुरल रिस्पॉन्स है सेलिवेशन. और एक बेल जो है वो, अगर आप कहते हैं कि हम बेल को उसके साथ एसोसिएट करते हैं एक न्यूट्रल स्टिमुलस को,
एक न्यूट्रल मीन्स के इसके वजह से जो है कोई एक स्पेसिफिक बिहेवियर नहीं हो रहा. दिस स्टिमुलस डज नॉट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टेन वे. तो ये दो स्टिमुलस हैं हमारे पास, एक अनकंडीशन स्टिमुलस है जो कि नेचुरल है, और ये न्यूट्रल स्टिमुलस है जो कि किसी भी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स से एसोसिएट नहीं कर रहा. सिंपलेस्ट डेफिनेशन एसोसिएशन की क्या है? लर्निंग टू एसोसिएट एन ऑटोमेटिक बिहेवियर और फीलिंग विद अ स्टिमुलस. क्लासिकल कंडीशनिंग में हम लर्न करते हैं टू एसोसिएट एन ऑटोमेटिक बिहेवियर विद अ स्टिमुलस. अब अनकंडीशन स्टिमुलस ये कॉन्स्टेंट, इसको आप माइंड में रखिए. अनकंडीशन स्टिमुलस हमारे पास ये है क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है, साइट ऑफ फूड सेलिवेशन. ह्यूमन बींग्स में भी साइट ऑफ फूड, जब आपको बहुत भूख लग रही होती है तो आप फूड को देखकर सेलिवेट करते हो. ये अनकंडीशन स्टिमुलस है, इसमें हमने खुद से कंडीशनली अटेंशनली कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया. ये एक नेचुरल रिलेशन है, एक नेचुरल आप कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स. एक स्टिमुलस है और रिस्पॉन्स है, SR फार्मूला जो कि थॉर्नडाइक ने दिया था. तो ये उसी की बेस पे है. जब आप फूड देख रहे हो, जब डॉग फूड देखता है इस एक्सपेरिमेंट में, तो वो नेचुरल स्टिमुलस और नेचुरल रिस्पॉन्स उसका है सेलिवेशन. इसी तरह से ह्यूमन बींग्स भी, जब हम खाना देखते हैं या अरोमा हमें आता है किसी बहुत फेवरेट डिश का, तो हम भी नेचुरली अगर बहुत भूख लग रही है तो सेलिवेशन होती है. ये दो अनकंडीशन स्टिमुलस हैं जो कि नेचुरली अक्रिंग है. अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, 1890s में रशियन साइंटिस्ट इवान पेवलोव वाज स्टडिंग एस्पेक्ट ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस बाय ऑब्जर्विंग सेलिवेशन इन डॉग्स. वो डाइजेस्टिव सिस्टम पे वर्क कर रहे थे 1890s में, जब इन्होंने ये काम स्टार्ट किया तब 1890s का टाइम पीरियड चल रहा था. तो उन्होंने बेसिकली वो काम कर रहे थे सेलिवेशन पे. व्हेन ही मेड द ऑब्जर्वेशन दैट डॉग्स बिगिन टू सेलिवेट बिफोर द फूड अराइव्ड. फूड आने से पहले उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि फूड साइट ऑफ फूड के पहले ही जो डॉग है वो सेलिवेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, एट द साइट ऑफ फूड ट्रे और साउंड ऑफ द असिस्टेंट फूड स्टेप्स. असिस्टेंट के पैरों की आवाज़ सुनकर, फूड स्टेप्स की आवाज़ सुनकर डॉग जो है वो सेलिवेट करता है. दिस वर्क बिकेम द फाउंडेशन फॉर क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द बिहेवियर अप्रोच टू साइकोलॉजी. बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, बहुत वेल नाउन एक्सपेरिमेंट है ये डॉग्स एक्सपेरिमेंट. इसको पेवलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, याद रखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग और पेवलोवियन कंडीशनिंग. डाइजेस्टिव सिस्टम पे आप ये डायग्राम में देख सकते हो, डॉग के सेलिवरी ग्लैंड में उन्होंने एक ट्यूब इंसर्ट की है, और वो ट्यूब जो है इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद मयरिंग ग्लास. एक इंस्ट्रूमेंट है, मयरिंग इंस्ट्रूमेंट, जो कि रेट ऑफ सेलिवेशन को कैलकुलेट करेगा. इवान पेवलोव ने ये नोट किया कि जब डॉग फूड देखे बगैर, जब वो फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनता है, असिस्टेंट के फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनता है, तो तब भी वो सेलिवेट करता है. उसके पास उन्होंने जो ये ट्यूब अटैच की है उसमें सेलिवेशन, रेट ऑफ सेलिवेशन मेजर हो रहा है, जबकि फूड अभी नज़र नहीं आया. तो यहाँ पे हमारे पास एक मैकेनिकल व्यू आप इसका देख सकते हो. बिफोर कंडीशनिंग, जब आप बेल बजाते हो, एक न्यूट्रल स्टिमुलस है बेल, रिंगिंग ऑफ बेल, तो बेल पे डॉग रिस्पॉन्ड नहीं करता, नो नोटेबल रिस्पॉन्स. बेल बजाई, डॉग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया. फिर उसके बाद उन्होंने फूड प्रेजेंट किया, तो जैसे ही फूड नज़र आता है तो सेलिवेशन स्टार्ट हो गई. ये एक अनकंडीशन स्टिमुलस है. अनकंडीशन स्टिमुलस हमें किसको बोलते हैं? नेचुरल स्टिमुलस को, जो नेचुरली अक्कर कर रहा है उसको हम अनकंडीशन स्टिमुलस बोलेंगे. तो अनकंडीशन स्टिमुलस को देखा जब उसने, तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स है क्योंकि ये अनकंडीशन स्टिमुलस को लीड कर रहा है, इसलिए अनकंडीशन रिस्पॉन्स होगा. बिफोर कंडीशनिंग ये दो फिनोमेना है, बेल बजेगी तो डॉग में कोई सेलिवेशन नहीं है, और जब फूड नज़र आता है तो डॉग सेलिवेट करता है. ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या किया उन्होंने, बेल बजाई और उसके फौरन बाद फूड प्रेजेंट किया. रिंगिंग ऑफ बेल एंड साइट ऑफ फूड दोनों इकट्ठे सामने बार बार उन्होंने ये काम किया, बेल बजाते थे और फूड प्रेजेंट करते थे. ये एक रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स था, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था या नेचुरल रिस्पॉन्स था. इसमें ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन था, ये इनेट भी आप कह सकते हो, नेचुरल है, इनबॉर्न है, तो अनलर्न बिहेवियर है. जैसे ही फूड देखा तो डॉग में सेलिवेशन हुई, उसने ये लर्न नहीं किया हुआ, ये अनकंडीशन है, इनेट है, इनबॉर्न है, ऑटोमेटिक है, रिफ्लेक्सिव बिहेवियर है.
और इस तरह से बेल के साथ भी कोई एसोसिएशन नहीं होती, बेल बजने से डॉग में कोई नोटिसेबल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसके बाद बिफोर कंडीशन ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है कि बेल, रिंगिंग ऑफ बेल एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फूड दोनों इकट्ठे हैं। हमारे पास अनकंडीशन्ड स्टिमुलस और ये हमारे पास जो है ये कंडीशन स्टिमुलस है, ये आपने जानबूझ के खुद इसके साथ इसमें ऐड किया है, आपने रिंगिंग बेल को खुद ऐड कर दिया। बेल प्लस फूड, बेल बजती है फिर फूड आता है, बेल बजेगी फिर फूड आएगा, बार बार इसको दोहराया जा रहा है। बेल बजता जाते थे और फिर उसके बाद फूड आ जाता था, तो डॉग ने लर्न कर लिया कि बेल बजेगी तो फूड प्रेजेंट होगा, फूड आएगा। तो उसने यहाँ पे ये लर्निंग हो रही है ड्यूरिंग कंडीशनिंग। यहाँ पे कंडीशनिंग हम इन दोनों में एक बॉन्ड डेवलप कर रहे हैं, एसोसिएशन कर रहे हैं कि बेल बजेगी तो फूड आएगा, तो फूड के साथ सेलिब्रेशन है, बेल प्लस फूड देन सेलिब्रेशन। कुछ टाइम के बाद पेवलोव ने बेल, जैसे ही बेल बजाई तो डॉग ने सेलिब्रेशन शुरू कर दी विदाउट फूड। फूड देखे बगैर बेल के साथ सेलिब्रेशन एसोसिएट हो गई है। अब हमने क्या किया, हमने जो नेचुरल हमारे पास स्टिमुलस था उसको हमने हटा दिया, हमने फूड को हटा दिया, तो अब बेल के साथ सेलिब्रेशन है। कंडीशन स्टिमुलस इज एसोसिएटेड विद कंडीशन रिस्पॉन्स। पहले आपके पास अनकंडीशन स्टिमुलस था और हमारे पास ये अनकंडीशन रिस्पॉन्स था जो कि नेचुरल थे। नेचुरल ये हमारे पास एक मैकेनिज्म है या नेचुरल बिहेवियर है। आपने इसको खुद से यहाँ पे डेवलप किया है बेल के साथ, आपने फूड को एसोसिएट किया है, तो अब जब बेल बजती है तो फूड आता है। डॉग ने लर्न कर लिया कि जब भी बेल बजेगी तो फूड मिलेगा। अब आपने नेक्स्ट क्या किया, जब बार बार आपने इसको रिपीट किया, रिपीटेशन के बाद इसके माइंड में ये चीज़ आ गई कि जब बेल होगी तो फूड आएगा, तो अब उसने ये लर्न कर लिया है। तो जब आपने बेल बजाई तो उसको पता था कि अभी फूड आएगा, तो अब आपने फूड प्रेजेंट नहीं किया। अब रिंगिंग बेल एंड सेलिब्रेशन विदाउट फूड, ये एक नेचुरल चीज़ नहीं है, बेल के साथ सेलिब्रेशन होना ये नेचुरल नहीं है। तो जब आपने खुद से ये डेवलप किया है, ये अननेचुरल एक मैकेनिज्म आपने बनाया है, तो ये कंडीशन स्टिमुलस है। कंडीशन मीन्स आपने खुद इसको ऐड किया है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्लासिकल कंडीशनिंग की। डू यू थिंक यू हैव बीन क्लासिकली कंडीशन टू रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग इन अ सर्टन वे? हम अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्पॉन्स, हमारे बहुत से बिहेवियर्स जो हैं वो कंडीशनड होते हैं। सिंपलेस्ट लर्निंग है तो हमारे मेजॉरिटी जो हमारी लर्निंग होती है इट इज मोस्टली बेस्ड ऑन कंडीशनिंग। साइट ऑफ लिजर्ड और कॉकरोच को देख के हम जो डरते हैं, स्क्रीमिंग करते हैं, तो ये हमारी कंडीशनिंग है, हमने क्लासिकली इसको कंडीशन किया है। एग्जाम्पल देखिए, इफ आई हेयर द साउंड ऑफ एन अलार्म क्लॉक माई बॉडी बिकम्स टेंस एंड माई मूड बिकम्स अनहैप्पी। क्योंकि आपको पता है कि आप 6 बजे अलार्म बज रहे हैं, आपने कॉलेज जाना है, तो ये अलार्म की जो जो साउंड है, जो आपने उसकी टोन सेट की हुई है, उस आवाज को आपने एसोसिएट कर लिया है कि ये सुबह को अलार्म ये बजेगा और आपने उठकर जाना है, सर्दी है या कॉलेज के लिए आप उठ रहे हो, तो वेकिंग अप जो है उससे आप खुश नहीं हो रहे, तो उसकी जो अनप्लेजेंट फीलिंग है उसको हम एसोसिएट कर लेते हैं साउंड ऑफ अलार्म क्लॉक पे। आप जब आपकी अलार्म की साउंड आपको अगर दिन में भी कभी वो आवाज सुनाई देगी तो आपको वही अनहैप्पीनेस की फीलिंग्स फील होंगी, वही आपका मूड वैसा हो जाएगा। तो ये हमारी कुछ क्लासिकल कंडीशनिंग की एग्जांपल है। जेपी वॉटसन भी क्लासिकल कंडीशनिंग पे इन्होंने भी वर्क किया है, क्लासिकल कंडीशनिंग और एनवायरनमेंट लर्निंग पे बहुत ज्यादा काम है इनका भी। तो इन्होंने कहा है कि अगर आप मुझे हेल्दी इन्फेंट्स देते हैं और आप मुझे बता दें कि इनको मैं इन फ्यूचर कौन सा प्रोफेशन में भेजू या इनको फ्यूचर में मैं क्या बनाऊं, तो आप जो कहेंगे मैं उस पर्सन को उसी तरह से ट्रेन करूंगा। गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स वेल फॉर्म्ड एंड माय ओन स्पेसिफिक वर्ड टू ब्रिंग देम अप इन एंड आई विल गारंटी टू टेक एनीवन एट रैंडम एंड ट्रेन हिम टू बिकम एनी टाइप ऑफ स्पेशलिस्ट। आई माइट सेलेक्ट अ डॉक्टर, लॉयर, आर्टिस्ट, मर्चेंट चीफ एंड येस इवन इन टू अ बेगर मैन एंड थीफ। आप जैसा उसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे वो पर्सन वैसा ही बनेगा। उन्होंने कहा कि मैं उसको बेगर मैन या थीफ भी बना सकता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ हिज टैलेंट्स, पेंशंट्स, टेंडेंसीज, एबिलिटीज, वोकेशंस एंड रेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स,
विदाउट इंटरेस्ट, उन्होंने कहा कि मैं टैलेंट्स, इंटरेस्ट, टेंडेंसीज, इंक्लिनेशंस, एबिलिटीज को बिल्कुल इग्नोर करके आप मुझे कहीं के इन इन कैटेगरीज में से अगर मैं आपको चाहूँ तो मैं कुछ भी, एक बच्चे को कुछ भी बना सकता हूँ। जे बी वॉटसन ने ये चैलेंज किया था कि एक पर्सन को हम कुछ भी बना सकते हैं और ये डिपेंड करता है उनके एनवायरनमेंट पे। आप अगर उनको वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हो तो आप उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हुए उस तरफ ले जाओगे। आप जैसा चाहो एक पर्सन वैसा बन सकता है। ये उनकी बहुत एक चैलेंजिंग स्टेटमेंट थी। वॉटसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लिटल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग पे ही बेस करता है। इन 1920s जॉन बी वॉटसन क्लासिकली कंडीशन अ ह्यूमन बेबी टू एक्सपीरियंस फियर एट द साइट ऑफ वाइट रैट्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस जनरलाइजेशन एट द साइट ऑफ अदर स्मॉल फरी एनिमल्स। लिटल एल्बर्ट, एल्बर्ट जो है वो एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसमें उन्होंने फियर इंड्यूस करवाया। अब फियर इंड्यूस किस तरह से करवाया आप ये पिक्चर में देख सकते हो। बच्चे को लैब में उन्होंने बिठाया और उन्होंने एक फरी ऑब्जेक्ट रैबिट, कुछ बुक्स में रैबिट है, कुछ बुक्स में कैट है, तो उन्होंने एक वाइट फरी रैबिट जो है वो रूम में एंटर किया। जैसे ही बच्चे ने रैबिट को देखा तो वॉटसन और इनके जो कोलीग्स थे वो बच्चे के बैक साइड पर खड़े थे। उन्होंने दो आयरन रॉड्स को आपस में ज़ोर से स्ट्राइक किया। यहाँ पे हैमर दिखाया हुआ है, तो उन्होंने हैमर को और एक आयरन रॉड को आपस में स्ट्राइक किया और एक लाउड साउंड प्रोड्यूस हुई। तो हमारा एक ये नेचुरल रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स है कि जब हम कोई लाउड साउंड सुनते हैं तो हम डर जाते हैं। वो हमारा स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है लाउड साउंड में। जब आप ब्लास्ट की आवाज़ सुनते हो या फायरिंग की आवाज़ सुनते हो तो एकदम से आपकी जो बॉडी है वो रिफ्लेक्सिव मूवमेंट करती है, आप डर जाते हो। तो बच्चे ने भी रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स दिया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो उस लाउड साउंड की वजह से बच्चा डर गया। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने एसोसिएट क्या कर दिया है रैबिट को, जब रैबिट रूम में एंटर होता था तो वो रॉड्स को स्ट्राइक करते थे। बार बार उन्होंने ये रिपीट किया, साइट ऑफ रैबिट एंड लाउड साउंड। तो बच्चा जो है वो उसने ये सीख लिया कि जब ये रैबिट आएगा तो ये साउंड जो है ये आता है। तो एक्चुअली उसके माइंड में जो कनेक्शन बना है वो फियर और रैबिट का डेवलप हुआ है। लाउड साउंड एंड फियर जो है ये दोनों नेचुरल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। ये एसोसिएशन नेचुरल है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आपने उसमें ऐड किया है एक रैबिट, एक फरी ऑब्जेक्ट को ऐड कर दिया गया। तो बच्चे ने वो साउंड को तो नहीं समझा लेकिन उसने जो फियर की फीलिंग्स थी उनको एसोसिएट कर दिया है रैबिट के साथ। ही अचीव्ड दिस बाय क्रिएटिंग लाउड पेनफुल नॉइजेस व्हेनेवर अल्बर्ट टच द रैट। अल्बर्ट बिगिन टू एसोसिएट स्मॉल एनिमल्स विद द ट्रॉमा ऑफ द नॉइज। वो जो नॉइज थी वो असल में लाउड साउंड थी जो कि आयरन और हैमर को स्ट्राइक करके प्रोड्यूस की जा रही थी। तो बच्चे ने, एल्बर्ट जो है उसने डरना शुरू कर दिया इन फरी ऑब्जेक्ट से, जो कि एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट था। और वॉटसन क्या पढ़ सकते हो, उन्होंने क्या कहा, आई डोंट ऑलवेज केयर बेबीज बट वैन आई डू इट इज फॉर एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, साइकोलॉजी के लिए वो करते हैं। तो ये एक नेचुरल उन्होंने फियर लर्न करवाया है। इसको आप देखते हैं, सिंपल डेफिनेशन देखिए, लर्निंग टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद अ स्टिमुलस। क्लासिकल कंडीशनिंग, सिंपल डेफिनेशन देख लीजिए, लर्निंग टू एसोसिएट अ बिहेवियर विद अ स्टिमुलस। अब इसमें देखिए न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है। दिस स्टिमुलस डज नॉट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन वे। ठीक है, हमने जो लर्न किया होता है, हम जो कॉकरोच लिजर्ड से डरते हैं वो नेचुरली हम पहले नहीं डरते थे, ये किसी वजह से हमने बचपन में उनको कंडीशन किया है आपस में, इन दो चीज़ों को, कॉकरोच और लिजर्ड को आपस में एसोसिएट करके हमने फिर वो फियर डेवलप किया है। तो नेचुरली ऐसा नहीं होता कि आपने उस इस रैट को देखा और बच्चे ने डरना है, लेकिन हमारे पास जो ये स्टिमुलस है लाउड साउंड जो है, इससे ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। अ स्टिमुलस दैट नेचुरली नो लर्निंग इन्वॉल्व कॉजेज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। लाउड साउंड जो है ये, इसमें लर्निंग का कोई भी रिलेशन नहीं है। इसमें लाउड साउंड से स्पॉन्टेनियस ही हम रिस्पॉन्स करते हैं, हम डर जाते हैं, हमारी रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी एकदम डर जाती है। तो हमारी बॉडी की मूवमेंट से भी हमें पता चलता है कि हम डर गए हैं, ये एक इमोशन की थ्योरी है। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस से नेचुरली आप, नेचुरल स्टिमुलस है, नेचुरल रिस्पॉन्स है फियर का, लेकिन उसके साथ एक न्यूट्रल स्टिमुलस को रैट को ऐड कर दिया।
दिस स्टिमुलस डज नॉट नेचुरली कॉज द सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड इन अ सर्टन वे. सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट. जो बच्चा था उसका नाम एल्बर्ट है, 6 मंथ ओल्ड एल्बर्ट. स्टिमुलस जनरलाइजेशन, ये कुछ हमारे पास इसके लॉज आ जाते हैं, लॉज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग. आप इसको लॉज भी कह सकते हैं और बेसिक फाइंडिंग्स भी कह सकते हैं. सम फाइंडिंग्स ऑफ पावलोव्स एक्सपेरिमेंट. स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जनरलाइज का मतलब होता है कि हम जनरली उस चीज़ को जो सिमिलर हमें मिलेंगी, ओरिजिनल जो स्टिमुलस है उसके साथ अगर सिमिलर आपको कोई और स्टिमुलस मिलता है तो आप उन दोनों को कंडीशन कर लेते हो, आप दोनों को सिमिलरली परसीव करते हो. जनरलाइजेशन इज द टेंडेंसी ऑफ अ न्यू स्टिमुलस दैट इज सिमिलर टू द ओरिजिनल कंडीशन स्टिमुलस टू एलिसिट अ रिस्पॉन्स दैट इज सिमिलर टू द कंडीशन रिस्पॉन्स. After a stimulus has been conditioned to produce a particular response, stimuli that are similar to the original stimulus may produce the same response. The greater the similarity between two stimuli, the greater the likelihood that stimulus generalization will occur. अब यहाँ पे ये जो दो क्लॉक्स दिखाए हुए हैं, इसकी जो साउंड है और इसकी साउंड, अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, बेशक उनका साइज सिमिलर नहीं है, तो रिस्पॉन्स सेम होगा. और अगर ये वाला क्लॉक है, इसकी साउंड से अगर आप उठते हो, तो इसके अलार्म की क्लॉक की जो साउंड है और इसकी जो साउंड है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो ये दोनों का जो रिस्पॉन्स है आपका सेम ही होगा. इसी तरह से डॉग को जिस बेल के साथ एसोसिएट किया गया था, उस बेल से मिलती जुलती आवाज़ अगर डॉग सुनेगा तो भी डॉग में सेलिवेशन होगी, क्योंकि उसने स्टिमुलस को जनरलाइज कर लिया है. जिस स्टिमुलस पे उसको कंडीशन किया गया था, उससे सिमिलर स्टिमुलस को अगर वो फेस करता है तो उसका रिस्पॉन्स भी सिमिलर होगा. इस तरह से अगर हम एल्बर्ट की एग्जाम्पल लेते हैं, एल्बर्ट, लिटिल एल्बर्ट की, तो अगर माउस की जगह पर हम कोई और फरी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट करते हैं तो भी उसके अंदर फियर इंड्यूस होगा, क्योंकि वो उसको जनरलाइज कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को. द ग्रेटर द सिमिलैरिटी बिटवीन टू स्टिमुलाई द ग्रेटर द लाइकलीहुड दैट स्टिमुलस जनरलाइजेशन विल अकर. अब इसमें आप देख सकते हैं रैबिट है और उसने मिलते जुलते साइज पे बेसिकली वो बात करी है. एल्बर्ट बिकेम अफ्रेड ऑफ ऑल स्मॉल फरी एनिमल्स. जितने भी फरी एनिमल्स थे, इसमें स्टफ टॉयज भी उन्होंने यूज किए जो कि नेचुरल नहीं थे, स्टफ टॉयज थे, तो स्टफ टॉयज में उन्होंने छोटी कैट्स और रैबिट्स को यूज़ किया, तो एल्बर्ट उनको देख के भी डर जाता था. लेकिन अ बिग ब्लैक डॉग यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट डिड नॉट स्केयर हिम, क्योंकि उसका साइज डिफरेंट है और कंडीशनिंग के साथ जिसकी उसकी जिस स्टिमुलस के साथ कंडीशनिंग हुई है, ये उससे सिमिलर नहीं है. इस वजह से वो डॉग से डर नहीं रहा, वो बल्कि रैबिट्स, माउस और कैट्स से, फरी एनिमल से, फरी स्टफ टॉयज से वो स्कैर्ड होता है. ये इसकी रीज़न क्या है? स्टिमुलस जनरलाइजेशन. क्लासिकल कंडीशनिंग में जब हम कंडीशन होते हैं किसी स्टिमुलस के साथ, तो हम उसको जनरलाइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, और हमारा रिस्पॉन्स भी जनरलाइज होगा. अच्छा जी, नेक्स्ट है पेयर शेयर. व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन If a dog that had been classically conditioned to salivate at the ringing of a bell never received food again when the bell was rung? In other words, if you keep ringing the bell without giving the dog food, what will result? Iska mujhe bataiye answer. When a previously conditioned response decreases in frequency and eventually disappears, it is called extinction. ठीक है, जब बार बार बेल बज रही है लेकिन फूड नहीं आ रहा, तो वो सोच रहा है वेयर इज माई फूड, तो अब उसने उस रिस्पॉन्स को एक्सटिंक्ट कर दिया, अब उसने छोड़ दिया, सेलिवेशन जो है वो ख़त्म हो गई. ठीक है, वो जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स आपने लर्न करवाया हुआ था, अब वो एक्सटिंक्ट हो गया है. ठीक है, तो सेकेंड फाइंडिंग जो है उसमें आप लिख सकते हैं एक्सटिंक्शन. फर्स्ट जनरलाइजेशन है, सेकेंड एक्सटिंक्शन. तो एसोसिएशन जो आपने डेवलप की थी वो अब एक्सटिंक्ट होगी. स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी में क्या हो रहा है? आफ्टर अ कंडीशनड रिस्पॉन्स बिकम्स एक्सटिंक्ट, द रिस्पॉन्स कैन समटाइम्स री इमर्ज आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हैज पास्ड विद नो फर्दर कंडीशनिंग. ठीक है,
अब ये जो है इसमें वापस स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है नेक्स्ट टाइम, अगर जब एक्सटिंक्शन हो गई तो नेक्स्ट अगर फिर आपने वही काम किया, आपने बेल बजाई और फिर फूड आप ले आए, तो वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होगी एकदम से, सडनली वो ही जो आपने पहले कंडीशनिंग में पूरा प्रोसीजर किया था, अब सडनली वो डॉग ने दोबारा से वही लर्न कर लिया। अब आपको उतना टाइम नहीं लगेगा लर्न करवाने में, तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी में बहुत जल्दी से जो कंडीशन रिस्पॉन्स है वो अवॉइड हो जाता है। एल्बर्ट पे भी कुछ बुक्स में है कि एल्बर्ट को उन्होंने ये पूरा प्रोसीजर किया, उस पर क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू उसको लर्न करवाया था, और फिर उसके बाद जब बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज उनको किया गया तो उन्होंने एल्बर्ट को अनलर्न भी करवाया था। फियर जो है ये एक नेगेटिव फीलिंग है, तो एक हेल्दी पर्सन में नेगेटिव बिहेवियर को इंड्यूस कराना जो है ये अनएथिकल है। तो आपने एथिकल इश्यूज में भी पढ़ा था कि किसी को हर्ट नहीं करना इमोशनली फिजिकली, तो यहाँ पर एल्बर्ट जो है वो इमोशनली डिस्टर्ब किया गया था, तो कुछ बुक्स में है कि इसको दोबारा अनलर्न भी करवाया था, एल्बर्ट का बिहेवियर अनलर्न भी करवाया था, और कुछ बुक्स में है कि वो जो है वो 6 ईयर्स की एज में ही उसकी डेथ हो गई थी। पीपल ऑफन वंडर्ड इफ लिटल एल्बर्ट माइट स्टिल ओकेजनली एक्सपीरियंस फियर ऑफ एनिमल्स एज एन अडल्ट, बट सैडली ही डाइड ऑफ डिजीज एट 6। तो कुछ बुक्स में उसकी डेथ के बारे में लिखा है, और कुछ बुक्स में ये भी लिखा है कि उसको उन्होंने फियर अनलर्न भी करवाया था। अच्छा जी, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू था। नेक्स्ट है जी, नोट दिस, क्लासिकल कंडीशनिंग रिलेट्स टू इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिएक्शंस वी हैव टू अ स्टिमुलस, दीज आर रियली इमोशनल एंड बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, दो आपस में जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से एसोसिएट होते हैं, बायोलॉजिकल एक स्टिमुलस होता है और हमारा एक इननेट नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। यू कैन नॉट बी क्लासिकली कंडीशन टू परफॉर्म अ वॉलेंट्री एक्शन, देर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग दैट रेफर्स टू एबिलिटी टू मेक अस मोर और लेस लाइकली टू परफॉर्म अ सर्टन वॉलेंट्री एक्शन। जो कि एक एग्जाम्पल देखिए, वॉस जेनी हैड द फ्लू, शी वॉज ईटिंग स्ट्रॉबेरीज एंड फेल्ट नॉजिएटेड। स्ट्रॉबेरीज खाई उसने और स्ट्रॉबेरीज के बाद उसने नॉजिया फील किया, वॉमिटिंग उसको स्टार्ट हो गई स्ट्रॉबेरीज की वजह से, नॉजिया को फील किया। एंड थ्रू अप सून आफ्टर, वीक्स लेटर शी नो लॉन्गर हैड द फ्लू, बट द नेक्स्ट टाइम शी एट आर स्ट्रॉबेरी शी फेल्ट सिक अगेन। दिस टाइप ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज कॉल्ड अ फूड एवर्जन, यानी लर्न टू एसोसिएट द फीलिंग ऑफ बींग सिक विद ईटिंग स्ट्रॉबेरीज। ये हमारा डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ों के साथ हम एसोसिएट हो जाते हैं जो कि आप फिर वो लर्न कर लेते हो। जैसे आप कॉलेज के लिए जाते हो, आप जिस रास्ते से जाते हो, तो अगर आप नॉर्मल डेज में भी जब आप कॉलेज नहीं जा रहे, रैंडमली भी अगर आप उस जगह से गुजरते हो, तो आपको वही वाली फीलिंग्स होंगी जैसे कि आप कॉलेज जा रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक म्यूजिक अगर आप सुनते हो, कोई स्पेसिफिक सॉन्ग आपने किसी स्पेसिफिक डे पे सुना, किसी इवेंट पे आपने कोई एक सॉन्ग सुना, तो अगर आप किसी और दिन भी वो सॉन्ग सुनोगे तो आपको वो जो उस दिन आपने सुना था और जैसा आपने फील किया था, तो आपको वो दिन दोबारा से याद आ जाता है। कोई एक स्पेसिफिक परफ्यूम जो है, अगर वो आप स्मेल करते हो, तो अगर आपकी फ्रेंड कोई एक स्पेसिफिक परफ्यूम यूज़ करती हैं, तो वही परफ्यूम आप कहीं और स्मेल करते हो तो आपको अपनी अपनी फ्रेंड की याद आती है। ये तमाम चीज़ें जो है ये एसोसिएशन से हम लर्न करते हैं, ये नेचुरल हैं और हम अपने रोज़ाना में ये चीज़ें लर्न करते हैं। कुछ टीचर्स के परफ्यूम्स जो हैं वो स्पेसिफाइड होते हैं कि वो टीचर अगर नहीं है तो उस परफ्यूम से वो टीचर की जो मेमोरीज हैं वो एसोसिएट हो जाती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, बेंस लिटिल ब्रदर लैनी लाइक्स टू टॉर्मेंट हिम By screaming and shooting him with a Nerf gun. One day, Lenny screamed but did not shoot Ben with him Nerf gun, and Ben flinched anyways. Ben learned to associate the sound of Lenny screaming with being hit by a dart. अब उसने वो लर्न कर लिया है, तो उसके भाई ने स्क्रीमिंग किया है लेकिन वो गन नहीं लेकर आया, लेकिन उसने फिर भी आंखें बंद कर ली हैं कि जो स्क्रीमिंग साउंड है तो इसके बाद वो शूट करेगा, तो उसने पहले से ही लर्न किया हुआ है, क्योंकि रिपीटेडली जब ऐसा होता है तो आप वो चीज़ लर्न कर जाते हो, आप उसको सीख लेते हो। अनदर एग्जाम्पल, लिली ग्रू अप इन एन ऑर्फनेज वेयर शी वॉज नेग्लेक्टेड एंड मिसट्रीटेड बाय अ स्टाफ। द ऑर्फनेज वॉज लोकेटेड इन बिग हिस्टोरिक मैनर हाउस। As an adult, Lily still feels emotional pain when she visits that house because she is associating her negative memories with the place.
In fact, Lily feels upset when she goes into any big old house. Due to stimulus generalization, उसने stimulus को generalize कर लिया है big house के साथ कि वो orphanage में रही थी तो वहाँ पे उसको mistreat किया जाता था, तो उसकी जो painful memories थी वो associate हो गई हैं उस एक बड़ी building के साथ. अब वो कोई एक बड़ा घर भी देखती है तो उसको वही negative feelings जो हैं वो दोबारा से आती हैं, क्योंकि उसने उस stimulus को generalize कर लिया है on the basis of similarities. दोनों buildings जो हैं वो similar हैं तो उसको इन buildings से जो fear है, pain pain है, वो associate है. नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड हैं. आप अपनी डेली लाइफ में इस तरह की एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो. आप अपने बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करो. आपके साथ ये रोज़ाना ऐसा बहुत से जगहों पे होता है कि आपने एसोसिएशन से जो आपने लर्न किया होता है तो आप एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हो.